और तुझको जो करना है ना वो कर, FIR का, पुलिस स्टेशन जा, CBI का पास जा, CID का पास जा, जितना का जिसका जिसका पास जाना है तू जा, कोई बाल भी वाका कर सकते हो तो काटते जा सर, कोई दिक्कत नहीं। इन फेक लोन ऐप्स को ना पुलिस का डर, ना CBI का, ना पुलिस का, ना कोर्ट का, क्योंकि इनको पता है कि जो ये नंबर यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेशनल है, जो कॉलिंग है वो इंटरनेशनल है, आपका जो एड्रेस है वो गलत है, ये फेक है ना, इनका कोई आता है ना पता है, तो पुलिस इनको क्या ट्रेस और ट्रैक करेगी। इसलिए ये आपको हर तरीके से परेशान, ब्लैकमेल करते हैं बिना किसी डर के। अगर आप भी किसी भी फेक लोन ऐप्स के चक्कर में फंस गए और इस तरीके से फेक इमेजेस बना के, न्यूड इमेजेस बना के, पॉर्न फोटोज़ के साथ आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं? जानकारी नहीं होने की वजह से लोग डर के मारे इनके ऐसे मैसेज देख के इनको पैसे पे कर देते हैं, और बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। आप एक बार दोगे ये बार बार आपको मांगेंगे, कहेंगे आपका अपडेट नहीं हुआ, या फिर अकाउंट में ऑटो क्रेडिट कर देंगे, फिर उसका डबल मांगा जाएगा। यानी जितना आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही आप इस दलदल में, जाल में, क्योंकि इनका तो मेन मकसद ही है आपको डरा धमका के जिस भी तरीके से हो सके, जितना हो सके उतना पैसा निकालना। अब इस प्रॉब्लम से आप कैसे डील करें जिससे कि ना ही उनको पैसे देने का टेंशन रहे, ना ही अपनी इज्जत जाने का कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और ना ही किसी तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट परेशान हो, ना आप हो, और किसी तरीके का ब्लैकमेलिंग ना हो। अब इस ब्लैकमेलिंग से कैसे बचना है वो सारा कुछ आपको हमारे लॉयर्स के द्वारा बताया जाएगा, जिससे कि ना पेमेंट का टेंशन, ना इनके ब्लैकमेलिंग कॉल या मैसेज का, ना ही कोई लीगल इशू का, इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन करना है, कंप्लेन में क्या मेंशन करना है, क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं, हर एक वो चीज़ जो कि आपको जानना समझना ज़रूरी है जिससे कि कॉन्टैक्ट परेशान या आप ना हो। जिस भी लोन ऐप से परेशान है, लोन ऐप का नाम और प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप कर दें, कंप्लीट हेल्प आपको मिल जाएगा जिससे कि आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी बची रहेगी। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। फेक लोन ऐप से अगर आप भी पीड़ित हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें, बाकी लोग को भी जागरूक करें।